चलिए तो फिर जंगल के हम लोग एकदम पूरा ऊपर पहाड़ी पर आ चुके हैं। ये देखते हैं पूरा पहाड़ी का नज़ारा, देखिए इधर। चलिए तो जंगल हम लोग पूरा घूम लिए हैं और देखिए देसी दतौन भी तोड़ लिए हैं, क्योंकि ब्रश और दतौन से दोनों में अलग ही मजा है। दोस्तों मैं गिरधारी, गिरधारी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं जंगल तरफ, ये देखते हैं जंगल कुछ दिन। और दोस्तों बगल में देखिए नदी है, छोटा मोटा नदी, ये देखते हैं पानी का, देखिए धार अभी भी बह रहा है, हालांकि पानी भी छूट गया है, सुबह से ही छूटा है पानी। और देखिए पानी का धार देखिए अभी भी एकदम तेज गति में है, ये देख सकते हैं, देखिए पानी का गति कितना स्पीड से पानी जा रहा है एकदम, ये देखिए। और देखिए इधर जाके एकदम रात जाके मिल जा रहा है बड़ा नदी में। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग जंगल तरफ, उधर से आप घूमते हैं जा करके और दिखाते हैं आप लोगों को भी कि हमारे गांव का तरफ का जंगल किस तरह है। ये देखिए ट्रेन से देखिए इधर खुड़ा हुआ है यहाँ से वहाँ तक पूरा, यहाँ से देखिए आगे फिर उधर घना जंगल है। चलिए यहाँ से वहाँ चढ़ते हैं आप लोग, कितना मस्त नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, देखिए चारों तरफ जंगल तरफ, ये देखते हैं देखिए इधर देखिए हल्का हल्का कम है जंगल लेकिन ज़्यादा इधर है। चलिए तो चलते आगे। तो हम लोग आ चुके थे डैम के पास और देखिए डैम का कुछ नज़ारा ये देख सकते हैं, ये देखिए डैम रहा जो कि देखिए पूरा एकदम फूट चुका है डैम पानी की वजह से। और देखिए इधर ये देखिए फूटा हुआ सीन, क्योंकि इतना भयंकर बारिश था जो कि डैम पूरा फूट दिया, देखिए पूरा एकदम यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम फूट के चल गया आगे। और देखिए डैम का पानी सब धीरे धीरे सूख गया एकदम, ये देख सकते हैं लग रहा है जैसे पूरा खाई हो गया एकदम। चलिए दोस्तों जा रहे हैं हम लोग उधर, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है थोड़ी दूर तक, चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोग को कुछ दिन। चलिए दोस्तों फिर जंगल के हम लोग एकदम पूरा ऊपर पहाड़ी पर आ चुके हैं, ये देखते हैं पूरा पहाड़ी का नज़ारा, देखिए इधर। और देखिए कितना ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं, देखिए यहाँ से एकदम गहराई कितना नीचे उधर है। और देखिए इधर बगल में चारों तरफ देखिए एकदम गहराई पूरा यहाँ से वहाँ तक, और देखिए पूरा हम लोग ऊंचाई तक आ चुके हैं। और देखिए इधर जा रहा उधर मशरूम खोजने के लिए, पता नहीं इसको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हमको दिखाई दे भी नहीं करता मशरूम, क्योंकि पता नीचे पर छिपा हुआ रहता है ना, इसलिए नहीं दिखाई देता है। और देखिए कितना एकदम ऊपर आ चुके हैं हम लोग, ये देखते हैं यहाँ से देखिए कितना मस्त एकदम व्यू आ रहा है इधर, ये देख सकते हैं। चलिए तो थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग, देखते हैं कहीं अगर मिल गया तो बढ़िया है। चलिए तो जंगल हम लोग पूरा घूम लिए हैं और देखिए देसी दतौन भी तोड़ लिए हैं, क्योंकि ब्रश और दतौन से दोनों में अलग ही मज़ा है, दतौन से दोनों में थोड़ा अच्छा लगता है। और दोस्तों जंगल देखिए एकदम सुबह सुबह एकदम घूमें एकदम पूरा, इस पर कसरत भी होता है हम लोग को, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि शहर और देहात में बहुत अंतर है। देहात में रहिएगा आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ही खेती बाड़ी लंग फन जंगल वंगल है जो कि आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और शहर में रहिएगा तो फिर आपको जिम जाना ही पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत देर तक घूमे, अभी देखिए 9 बज गया है, चलिए अब निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर हो जाएगा, निकलने हमको लग जाएगा अभी 1 घंटा। चलिए निकलते हैं घर की ओर, देखिए जंगल सागर के और नहा धोकर देखिए आगे थोड़ा चापाकड़ पर, यहाँ थोड़ा काम था, वहाँ थोड़ा भिंडी था तोड़ना था भिंडी, ये देखते हैं भिंडी का देखिए पौधा, देखिए तो एक ही पौधा किया है और देखिए कितना सारा इसमें जड़ देखिए फेंक दिया था, देखिए कन्ही इसके एक मात्र पौधा है और देखिए कितना बड़ा फैल गया पूरा भिंडी का पौधा, ये देखते हैं। और देखिए चार तो कानी सब फेंक दिया है यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम घेर लिया एक ही पौधा। और ये देखिए मेरा बछड़ा एकदम बेचारा दिन भर एकदम चचर रहता है इधर, ये देखिए जाने रहेगा उधर। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, ब्लॉग आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।